सोमवार को सैकड़ों की संख्या में मिड डे मील वर्कर्स ने लघु सचिवालय नुह में न केवल प्रदर्शन किया बल्कि नायब तहसीलदार रवि कुमार नुह के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है। मिड डे मील वर्कर्स का कहना है कि उनका बकाया मानदेय तुरंत जारी करवाया जाए। मिड डे मील वर्कर्स का बढ़ाया गया मानदेय प्रत्येक महीने की 7 तारीख तक मिल जाना चाहिए। मानदेय मिड डे मील वर्कर्स के खाते में डाला जाए। इसके अलावा मिड डे मील वर्कर्स को बच्चों के खाना खाने के बाद किसी भी मिड डे मील वर्कर्स पर स्कूल में रहने का कोई दबाव ना बनाया जाए। इतने नहीं, मिड डे मील वर्करों के साथ शोषण किया जा रहा है और उनको काम से हटाया जा रहा है, जिसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 7-8 महीने से उन्हें वेतन भी नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्हें घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। बता दें कि मिड डे मील वर्कर्स इन दिनों बेहद परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह है समय पर वेतन की अदायगी नहीं होना। वेतन की अदायगी अगर समय पर नहीं हुई तो इस बार सैकड़ों मिड डे मील वर्कर्स के घरों का चूल्हा चलना भी मुश्किल हो जाएगा। एप्लीकेशन भी लगाइए, सीएम मंडो में भी लगाइए, डीसी के पीए भी लगाइए, काई ने कोई कार्रवाई ना करे। क्या चाहते हैं सर? मैं नहीं चाहती हूँ ले भाई, जैसे मैं ऊपर बेइज्जती करी हूँ तो मो इंसाफ मिलना चाहिए ना। नौकरी लगनी चाहिए मैं नौकरी। हाँ नौकरी लगनी चाहिए मैं। हटा दिया गया है, क्यों हटाया, क्या वजह है? सर 2012 से लग रही हूँ मरोड़ा स्कूल में, तो मैंने वही 10 सरपंच की वोट ना दी तो सियान पद के मारे वन में हटा दी। और अक्सर फिरोज पर मास्टर तो ऊपर एमली में और विजेंदर मास्टर मिडल में माने नो कही देख ले भाई, जब पीछे से ऑर्डर नहीं आएगा मैं नहीं हटा सकता। कोई राशन में फी हो, कोई डॉक्टरी में फी हो, जब तो मैं हटा सकता हूँ। जब हम किसाई में फी ना तो मैं किसे हटा दूं? तो वही द सरपंच ने और अख्तर मास्टर ने तो यू बात कही, मेरी मेहरबानी बनकर रहेगी तो स्कूल में जिंदगी भर तक नौकरी कर, और नहीं तो बदनाम गाँव में भी कर देंगे, तो रहन लाख बिना रहेंगे तेरी ऐसा कर देंगे जो तू कई लाख मुँह लाख उठा लाख बोल ना रह। तो सरकार किस तरह से परेशान कर रही है? कितने महीने का पेंशन आपको जो है रुपए नहीं मिले? सर अभी तो मेरा 2 महीना का पैसा रह रहे हैं, रुके पड़े हैं बीच में दिवा दिए उन्होंने पैसा नो क्या क्लियर कर दियो या वो कर दियो। और आपको हटा दिया गया लग रहे हैं वहीं पे? ना हटा दी सर मैं 3rd महीना से। क्या चाहते हैं आप? अब मैं सर पहले तो 5-5 हजार में पकायो, अब थोड़ी स्तन का बढ़ी है तो लिज्जाम लगा के नहीं हटा रहे, तो वेर बन बन के रहे तो जब तो लिज्जाम भी ना है वो भी ना कुछ भी खतरा ना है। हाँ नौकरी भी कर सकते हैं और जब यह काम ना करें तो स्कूल में बेइज्जती कर दी और सरपंच है जो हुआ रिश्तेदार मास्टर को राजवती। कितने महीने की तनख्वाह नहीं मिली है? हमें जी 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है और जो हमारी रुकी हुई तनख्वाह उसको जल्दी दिलाओ। 3 साल की वर्दी के पैसे रह रहे वे भी दिलाओ। हम कच्चे कर्मचारी, हमें पक्का करवाओ। हम सुबह से शाम तक वहाँ काम करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, कहीं मजदूर जाने लाग भी नहीं। तो हम ये चाहते हैं भाई हमारी जो ये थोड़ी बहुत बेगार है इनको सारा सफा करवाओ और हमारी 12 महीने की तनख्वाह लागू करवाओ। किस तरह से महिलाओं का शोषण किया जा रहा है? यही है कि भाई सब ये चाहती है कि हमारी 12 महीने की तनख्वाह लागू हो जाए और हमें महीने 60 तारीख को हमारे मानदेय मिलना चाहिए और हम पक्के करने चाहिए कच्चे कर्मचारी को और हमारी जो मांग है उनको पूरा किया जाए। जो हमारा लेटर दिया जा रहा है और जो हमारी बढ़ी हुई तनख्वाह है उसको जल्दी जारी किया जाए। क्या परेशानी हो रही है हमें? ये परेशान तनख्वाह ही नहीं मिल रही सर और हमारा 8-9 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही और हम क्या करें? और फिर घास वास और हम पर दाब दी जा रही है, अगर तुम घास नहीं काटोगे तो तुम जाओ। हम फलाने मास्टर से कह देंगे तुम वैसे ना काटोगे तो वैसे काटोगे, तुम्हें काटनी पड़ेगी। क्या धमकियां मिलती है? यही धमकी मिलती है और 8 बजे स्कूल में आओ और 2:30 बजे तक यहाँ तक रहो। बताओ क्या करे जी? 4 बजे छोड़े हम यही चाहे जी, हमारे तो जो 12 महीने के बांधे वो जल्दी वो करा जाए। 12 महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए और हमारे 3 साल की वर्दी के पैसे मिलने चाहिए। कमलेश कहाँ से? भलाई से। क्या परेशानी है? परेशानी है जी सुबह हम 8:30 बजे जाते हैं स्कूल, स्कूल में चले जाते हैं, बच्चे उनको पानी भर के धरते हैं, अपनो झाड़ से खेल के नहीं है वो करते हैं, फिर कहते हैं कि लेटरिंगन में पानी गिरो। यहाँ में चौकीदार ना है तो इत्यारी जुम्मे कोई नहीं करेगा तो हम लेटरिंगन में पानी गिरे, फिर जब हम खाना बनाने हाथ धो धा के नहीं है, फिर 3 बजे तो पहले
ना घास ना काट हम उन्हें की करने तो कटवा में की करने तो कटवा में भी फिर 3 बजे तो पहले स्कूल में तो छुट्टी ना दे 3:30 भी बज जाए 4 भी बज जाए ये तारे तुम नहीं लगा के जाने पड़ेंगे यो बताओ जी हम कहा खाएंगे और कहा हम अपने बालक न पारेंगे तनख्वाह भी नहीं मिला टाइम से। कितने महीने की तनख्वाह रह रही है? हमारी 5 महीना की गिरी है जी 3 महीना की रह रही है। कितना मिलना चाहिए पेमेंट? पेमेंट 7,000 की मिलती है महीना में। क्या चाहते हैं? हमारी टाइम से तनख्वाह मिलनी चाहिए और बढ़ी हुई मिलनी चाहिए और जो 14,000 की लागू हुई पर वहाँ को लेटर आना चाहिए। अध्यापक किस तरह से परेशान करते हैं? अध्यापक का है वो तो सभी कह में ही इतना कह रहे वो हमें चौकीदार ना है जी कोई भी। क्या चीज डीसी को दिया जी?